ओके सो हाई गाइज वेलकम बैक टू आई डोंट नो ये कौन सा वीडियो हो जाएगा बट मैं फिर भी इंट्रोडक्शन ओके सो टुडे इज 30th of April एंड आज मिली का बर्थडे है तो हम लोगों ने कुछ वैसा सोचा नहीं था बट यहाँ पे जैसे गौशाला वगैरह होता है ना उसमें हम लोगों ने सोचा था कि चारा वारा खिलाएंगे ये सब चीज़ एंड कुछ जो नीडी पीपल है उनको खाना भी बट अभी देखते हैं भी क्या क्योंकि अभी तक तो सिर्फ गौशाला का ही पता चला हमें सो वी आर गोइंग देयर एंड मैं क्या पहनी हूँ नहीं पहनी अभी मुझे बिल्कुल भी दिखाने का नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो हमारी बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स वगैरह आई हुई हैं एंड मोर अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है आप वहां से भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो ओके सो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। राधा रानी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए चारा वगैरह लेने के लिए बट यहाँ पे मुझे ये हरा घास दिखा तो मैंने यही ले लिया एंड ये 8 रुपये किलो है। मुझे लगा था बहुत ही महंगा आता होगा ये सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारा गौशाला जहाँ हम गए और इस गौशाले का नाम है सुदामा कुटी। सो यहाँ पे आज जो हमारे टोटो वाले भैया थे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारी मतलब इस दिन पूरे दिन के लिए वो हमारे गाइड के जैसे ही थे एंड यहाँ पे मैंने पहली बार इतनी सारी गायें देखी एंड सारी इतनी खूबसूरत थी या सभी के नाम भी थे। तो ये रहे यहाँ के बाबा जी जो सारे गाय का ख्याल रखते हैं एंड ये छोटा सा सुंदर सा बछड़ा आप देख रहे हो आप इसको याद रखना ठीक है मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं खा पा रहा था तो मैं जो भी नीचे पड़ा था एक मुट्ठी लेकर उसको खिलाने के लिए ही गई। छोटे बच्चे का क्या नाम है उनको बुलाई उसको ये वो गौशाला का है दूध वाले का है वो हमारा इधर का दे दो नीचे सिंधु सिंदूरी सिंदूरी कौन क्या ये सिंदूरी ये रेस्पॉन्ड करते हैं नीचे नीचे रख दो रेस्पॉन्ड हो जाते हैं मतलब अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं नीचे रख दो ना तुम मोती नहीं मोती इधर नहीं प्लीज ये तुम्हारे चीज नहीं है गिर जाएगा तो दो दो ऐसे कर गिराती पैर यार, तुम हो। I know it's like, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है एंड आई नो हमारे पेरेंट्स से डांट भी हमें पड़ने वाली है कि तुम इस जगह पे जाके इतना हंस रहे हो बट हंस हम लोग ये सारे सिचुएशंस नहीं रहे थे हम लोग अपने डर से क्योंकि यहाँ पे चारों ओर बंदर ही बंदर था साथ में डॉगी भी था जिससे हमें बहुत डर लग रहा था तो इसलिए हमारी ये हालत थी एंड जितनी मेरी बहनें बोल रही हैं ना इसमें इन्होंने एक बार भी नहीं खिलाया इनफैक्ट मैंने तो ट्राई भी किया एंड मैंने एक को फीड भी कर लिया बाबा जी आप गया चलो वेरी गुड गो फॉर इट हाथ वहां रखो कुछ नहीं करेगा चाटता है बस चटवाओ हाथ नहीं ना खाएगा इसका बिस्किट दे तुम दे नहीं पा रही हाथ अंदर करके तुम क्यों नहीं दे रही पांच बार जब तक नहीं बंद रुक बंद दे हम कुछ ठेलो मत इस तरह से मत किया करो अच्छा नहीं नहीं आराम से दो सुब्रा
अरे उधर दो उसको, टाइम पास कर रहे दो ना, देखो ये है आ जाओ। ऐसे ऐसे गिरा दे। कौन है? ओके सो आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग ये वीडियो इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट इसमें से मैं कुछ भी कट नहीं कर सकती थी बिकॉज लाइफ का ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग से एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी फ्यूचर में अपना ये वीडियो देखूँ तो मैं सभी चीज़ें देखूँ। एंड आपको यहाँ पे जो ये बछड़ा दिख रहा है, इसकी कहानी है कि मैंने बाबा जी से पूछा कि यहाँ पे कोई बछड़ा है जिसका नाम वगैरह नहीं रखा है, उन्होंने कहा यहाँ दो है। तो मैंने इसका बोला था कि ठीक है आप इसका नाम मिली आप रख देना क्योंकि ही इज़ माई हस्बैंड एंड ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उसका नहीं, इस ये वाइट वाला बछड़ा है इसका नाम मिली रखो क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। मैंने उनको भी यही कहा कि हाँ वो भी बहुत प्यारा है, सो ये मिली है। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो कहते हैं ना कि यमुना पार करके गए थे, तो वही यमुना पार कर रहे हैं जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो ये यमुना नदी ही है। और सुबह हम लोग ने कुछ खाया नहीं था क्योंकि हमें पहले गौ माता को खिलाना था, तो यहाँ पे हमें बीच में गुपचुप दिख गया, तो हम लोग ने यहाँ गुपचुप वगैरह खाया। और ये पहुँच गए हम थांडीर वन, और आज भी है वो स्थान जहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था राधा और कृष्ण जी का विवाह। यहाँ पे एक कुआं भी था जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे, और कहते हैं कि इस कुएं से जल निकाल कर नहाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। ओके गाइस, तो ये वही पेड़ है जिसके नीचे राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए यहाँ पे गाय वाय चराने आए थे, उसी वक्त राधा रानी यहाँ पे प्रकट हुई, भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए और ब्रह्मा जी ने उन दोनों का शादी विवाह यहाँ करवाया। जितने भी सारे रिचुअल्स थे उन्होंने ही पूरा किया। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पे वरमाला हुआ था उन्होंने फेरे लिए थे, एंड जहाँ पे सिंदूरदानी हुआ था। भगवान की शादी हुई थी ना, तो ग्वाल वालों को भंडारा दिया था। अच्छा। भंडारे से इस गांव का नाम भांडीरवन पड़ा, इसलिए यहाँ पर प्रसाद के लिए सबको पूछा जाता है, लेना ना लेना वो भक्ति की इच्छा के ऊपर है। तो प्रसादी में क्या क्या मतलब? मक्खन, रोटी, छाछ और मिर्च का अचार, ये प्रसादी में देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गाइस, ये बहुत ही टेस्टी था। मतलब मिर्ची ऐसा कुछ ही तीखा वीखा, मतलब मैंने इतना टेस्टी था कि दोबारा उनसे लिया। एंड ये पैक भी आप करवा सकते हो। दादी एक बार इधर देखे ना, रोटी किस चीज की बन रही है दादी? गेहूं की है। हम झारखंड से आए हैं। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा बना है। हम निकले वंशी वट के लिए जो कि भंडीरवट से थोड़ी ही दूर पे है, एंड ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण अपने गाय चराने आते थे। एंड यहाँ पे ये पेड़ भी है जिसे माना जाता है कि आज भी इसमें से कृष्ण भगवान की बंसी की आवाज़ आती है। थोड़ी कंसंट्रेट करने पे सुनाई देगा आपको बिल्कुल, बट बंसी नहीं, थोड़ा सा ड्रम का आवाज़ जैसा ही आता है। ट्रस्ट में गाइस, ये सारी बातें बहुत अजीब लगेंगी, बट उस वक्त जितने भी लोग थे उसमें से सिर्फ मुझे, गुड्डन और सुभ्रा को ही ये सुनाई दिया। एंड आपको ये हर जगह नहीं, आई थिंक कहीं कहीं ही सुनाई देता है, एंड बहुत कंसंट्रेट करके। और ये वही पेड़ है जहाँ पे वो रात्रि में बैठकर अपनी बंसी बजाते थे या फिर अपने गाय को जमा करने के लिए बुलाते थे। एंड ये जगह बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही शांत है, मतलब आपको हर वक्त ये मोर की आवाज़ एंड चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये बहुत ही अच्छा जगह था एंड हमें यहाँ बहुत ही मजा आया। एंड चलो मैं आप लोगों को गुड्डन का एक बहुत ही मस्त सा टैलेंट दिखाता हूं। अरे वो रहा मोर।
आप इन जंगलों के बीच में भी आप जा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मोर हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ मोर की आवाज़ आएगी एंड इसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि की छोटी छोटी कुटियाँ भी बनी हुई हैं। ये मतलब यहाँ पे ये जो वंशी घाट है ना, यहाँ से मतलब यहाँ पे गौशाला वगैरह भी आप यहाँ पे माता को चारा वारा अगर खिलाना तो आप यहाँ भी खिला सकते हो। एंड यहाँ पे जो ये वन है ना, इसमें बहुत सारा मोर है बट सब इतना दूर दूर है, हम लोग बिल्कुल रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा है एंड चारों ओर सिर्फ मोर की ही आवाज़ आ रही है। तो दिस इज़ रियली वेरी प्रीटी एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट हम लोग देख तो पा रहे बट आप लोग के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं। वृंदावन की ओर एंड वहाँ हमने ये रॉयल भारतीय फूड्स में खाए क्योंकि अभी बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम लोग कहीं नई चीज़ एक्सप्लोर करें, तो हमने ये रेस्टोरेंट के बारे में सुना था इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। बट यहाँ भी आपको सात्विक खाना ही मिलेगा। यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री में जो अचार मिला था ना, वो बहुत ही टेस्टी था। तो साथ में एज यूजल हमारा ये मसाला पापड़ हम लोग ने मंगाया, साथ में ये दाल फ्राई कढ़ाई पनीर एंड साथ में कुछ फ्राइड राइस। सो ये रहे हमारे प्लेट। पहले मुझे लगा यहाँ पे ये डिस्पोजल प्लेट्स में मिलते बट ऐसा नहीं था, यहाँ इनके पास पानी अभी दो दिन से आ नहीं रहा था इसलिए इन्होंने ये डिस्पोजल में सर्व किया, बट खाना बहुत ही टेस्टी था। फिर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम में रेडी हो गए हैं इस्कॉन के लिए एंड हमने पहना है साड़ी। गाइस सो वापस आने के बाद हम लोग बहुत मतलब आज दिन भर ऐसा लगा कि हम लोग सिर्फ टोटो पे ही रहे हैं, बट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। तो आने के बाद हम लोग सो गए हैं एंड फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल एंड हम तीनों ने ये साड़ी पहना हुआ है। आई डोंट नो कि हम लोग ने कैसे पहन लिया, बस पहन लिया है एंड आई होप सो कि एटलीस्ट 2-3 घंटे तक ये हम लोग से मैनेज हो जाए। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से हैं एंड कल हम लोग यहाँ पे जब क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे ना डांस वांस बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था और हम लोग वेट कर रहे, पता नहीं आज होगा या नहीं होगा, सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके गाइस तो हम लोग बाहर वाले आंगन में इंतजार कर रहे थे ये कीर्तन वगैरह का, बट ये कीर्तन तो अंदर वाले आंगन में हो रहा था एंड वी आर जस्ट अबाउट टू एग्जिट एंड हम लोग ने सोचा कि चलो देख लेते कि यहाँ क्या हो रहा है। सो यहाँ पे तो चल रहा है असली कीर्तन एंड एक बार लाइफ में आप जरूर जाना यहाँ पे, क्योंकि ये कीर्तन देख कर एंड लोगों की भक्ति देख कर ना बिल्कुल गूज़बम्प्स आ जाते हैं एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड जो भी आपको याद करना आप याद करो एंड जस्ट इंजॉय योरसेल्फ यहाँ पे। ओके गाइस सो दिस टू बॉयज वेयर डांसिंग सो एलिगेंटली, मतलब मुझे एज अ लड़की होकर बहुत लगा कि यार इतने अच्छे से तो हम लोग भी नहीं करते हैं एंड जब यहाँ पे आप बिल्कुल लाज शर्म सब कुछ साइड में रख कर आप डांस करोगे ना, तो मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो कि मैं कितना ज़्यादा ट्रस्ट बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी अगेन कि आपको बिल्कुल फील होगा कि श्री कृष्ण आपके साथ डांस कर रहे हैं।
होने के बाद हमें लग गई भूख, तो यहाँ रोड साइड में हमने देखा आंटी बना रही थी पराठे, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया 2 आलू के पराठे जिसके साथ मिले आलू की सब्जी एंड कड़ी जो कि 40 का 2 था, सो इट वाज नाइस। ने खाए मोमोज एंड खाकर चले गए रूम पर बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा यहाँ से डिपार्चर था एंड वन लास्ट टाइम राधा रानी और कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए वापसी के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था छोड़कर जाने का। आई थिंक जब आप भी आओगे आपको भी सेम फीलिंग आने वाला है। एंड यहाँ देखो सुबह सुबह यहाँ अभी भी परिक्रमा चल रहा होता है। वी बुक दिस टोटो एंड पहुंच गए मथुरा रेलवे स्टेशन। सो वी रीच्ड आवर मथुरा स्टेशन और यहाँ का मौसम क्या चेंज हुआ है, मतलब बिल्कुल लग रहा है कि ठंडा है। गुड्डन तो ऐसे ही आ गई है, हमारा फिर भी थोड़ा बहुत है बट बहुत ठंडा मौसम है। बिल्कुल बाहर पीछे देख के भी आपको लग रहा होगा कि इसे ठंडा वगैरह आ गया। एंड इतना सुबह सुबह उठने के बाद तो भाई साहब नींद आँखों में ही, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है आपका 7 हो रहा है और यही सोच लो आप कि ठंड के सीज़न में आप अगर सुबह 7 बजे उठते हो तो कैसा फील होगा। साथ ही वैसे हम लोग 6 बजे उठे थे क्योंकि थोड़ा नहाना वहाना ब्रश वगैरह फलाना ढिकाना करने में। सो अभी तक ट्रिप तो मेरे ख्याल से मेरा बहुत ही अच्छा रहा। तुम लोग का क्या कहना है? तुम लोग का ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा, लाइक मजा आया। मतलब ये बोलेंगे कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम। कल सुबह हम लोग बैठे हुए थे इस कॉल में, सुबह कह रही थी कि हम लोग वी आर लिविंग आवर ड्रीम टू दी हैप्पीएस्ट। बहुत ही सुकून था, मतलब इट वाज मच नीडेड। एंड गाइस वैसे जो गौशाला का हम लोग वहां गए थे मैं बता दूंगी, तो अगर आप लोग कभी जाते हो आते हो तो वहाँ जाना अगर आप लोग करते हो, अब मिली से जरूर आप मिलना क्योंकि अब मिली भी है इस दुनिया में जिस भी रूप में बट है। हमारा जो ट्रेन है वो डायरेक्ट कोडरमा का नहीं है, हम लोग आने समय भी पहले दिल्ली था तो यहाँ मथुरा से पहले हमें दिल्ली जाना है एंड उसके बाद वहाँ से फिर शाम में हमारी 5 बजे ट्रेन है कोडरमा का। तो लेट्स सी, वी आर डिसाइडिंग कि थोड़ा बहुत क्योंकि वहाँ से नज़दीक हमारे लिए जनपद ही है तो हम लोग जनपद में थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह भी करेंगे। लेट्स सी, अभी कुछ ठिकाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौसम है, आई डोंट नो दिल्ली में कैसा है, अगर बारिश वगैरह हुआ तो डोंट थिंक सो बट लेट्स सी कि क्या होता है, कुछ प्लान नहीं है अभी। ओके जी, तो ये लोग पहुंच गए हम जनपद मार्केट न्यू दिल्ली सीपी में, बट एज़ यूजल यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था बट लड़कियों को शॉपिंग से कौन रोक सकता है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा बहुत ही शॉपिंग करी एंड यहाँ से ये चप्पल वगैरह भी हमने कुछ लिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हमने क्योंकि हमें वापसी भी जाना था। एंड ये सारे जूते चप्पल मतलब अलग अलग प्राइस में थे बट क्वालिटी वॉज वेरी गुड। सो यहाँ पे मौसम तो बिल्कुल बारिश इतना गंदा वाला गया था बट अभी जाके थोड़ा छूटा है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 चीज़ ही ले पाए हम लोग क्योंकि हमारी ट्रेन भी तो हमें वापस जाना भी है बट नाइस, मौसम बहुत अच्छा था बट ये बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। सो वहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लगी क्योंकि यहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो कुछ समथिंग हॉट पीने का मन कर रहा था तो वी केम हियर यहाँ पे। एक तो जो बहुत ही क्यूट सा स्मॉल सा कैफे है, आई थिंक इसका नाम है ओल्ड लव, तो यहाँ पे एंड दिस इज़ वेरी सो नाइस, लाइक कोजी एंड स्वीट एंड साथ में आप यहाँ से ये सीपी का व्यू वगैरह भी आप देख सकते हो। Walking down the streets, telling myself it's okay, it's okay. But you know that I'm too weak and I'm not okay. Remedy on my hands, 네 자신을 고쳐볼게. 그러면 나도 완벽한 사람이 되어 정다른 태풍 okay. 친구들한테 내 상태에 대해서 말하는 것도 안 돼. I don't know how long I'm gonna last. Yeah. 오늘 밤 나는 방전이 또 되어 방안 충전기에 나를 또 꽂아. I don't think I can do this anymore. 오늘 밤 넘는 하루가 깊어 너에게 취해서 숙취가 길어. I don't think I can do this anymore. 스와갓 니 카로게 함 로가. 아? 아오 जल्दी 아오. 티르트 करके आए कि मजाक है भाई, आओ. 야 मम्मे. 프람. कहने पैर मम्मी बस नौकरी तो कर रही है मम्मी, मम्मी तेरा ग्लो तो अभी तक है मम्मी,
सही बात। ओके गाइस, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ वृंदावन। आई होप सो कि आपको तीनों का तीनों एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों ने सिर्फ ये थर्ड वाला देखा है तो फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड भी आप जाकर देखो। मैंने बहुत ट्राई किया कि अच्छी वीडियो मैं बना सकूँ एंड आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन कर सकूँ। और मैं तो वैसे देखो, मैं कभी भी किसी भी स्पिरिचुअल, मतलब पहले की मैं बोलूँ, कभी मैं किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक बार लाइफ में वृंदावन तो भाई जाना ही जाना, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आई डोंट नो आपको मन भी करेगा आने का या नहीं, बट हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब हम लोग नेक्स्ट डे जब आए, हमारे लिए ना बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था यार। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग अपना घर छोड़ कर यहाँ आए हैं, ऐसा फीलिंग था मेरा, गुड्डन, सुब्रा, हम तीनों का। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग दिस एपिसोड। अब और भी कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा समय के बाद। तब तक के लिए एक नॉर्मल व्लॉग्स आप इंजॉय करो। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी कमेंट किया है मेरे बाकी दोनों वीडियोस पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। देखो मेरी मेहंदी, दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन इन द हाउस। मुझे नहीं आता लगाना, तो जो आया मैंने लगा लिया, सो दिस इज़ नाइस। एंड ये देखो क्या ही मैंने गोबर किया हुआ है, बट ट्राई किया है, मुझे उतना आता नहीं है, बस बैठे बैठे कर लिया। गाइस, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो गिव अ थम्स अप, एंड थोड़ा मन है तो वीडियो को शेयर कर लेना, एंड चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय, राधे राधे।